यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। देखिए, ये जो हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, जितने भी हैं भारत में, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को रास्ता बाबा साहब ने दिखाया। बाबा साहब को रास्ता छत्रपति शाहू जी महाराज, सियाजी राय गायकवाड़ और उनसे पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने दिखाया। संत कबीर जी के बारे में वो कहते हैं, संत कबीर जी का मेरे ऊपर काफी प्रभाव रहा, क्योंकि मेरे घर में उनका काफी नाम चलता था, तथागत गौतम बुद्ध का उन्होंने नाम लिया। तो एक संतों की, तथागत बुद्ध से लेके बाबा साहब तक जितने संत महापुरुष हैं, उनकी प्रेरणा से बाबा साहब ने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उसका बेनिफिट एससी एसटी ओबीसी और हमें से जो कन्वर्टेड मुस्लिम सिख क्रिश्चियन या और भी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको उसका बेनिफिट मिला। तो एक तो पॉलिटिकल क्लास तैयार हो गई, जिनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलती है और वो वहां बैठते हैं और पॉलिटिक्स का फायदा उठाते हैं। एक पढ़ी लिखी क्लास तैयार हुई जो जॉब्स में ज्यादातर गई, और कुछ एक इंडस्ट्रीज वगैरह भी तैयार हुए। इसके अलावा कोई और बेनिफिट आम जनता को बहुत बड़े पैमाने पे नहीं हुआ। हाँ, बाबा साहब ने उनको जागरूक किया, रोशनास किया, उनको अवेयर किया, बेदार किया। ये एक बड़ी बात जो बाबा साहब कर पाए मेरा ख्याल है वो उन्होंने की। तो मैं आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो बाबा साहब की मूवमेंट का जिन लोगों को फायदा मिला उनमें से बहुत कम लोग हैं जो पे बैक टू द सोसाइटी कर रहे हैं। यश काई डीके खापड़े जी की अगर बात करूं तो वो कहते थे पे बैक टू सोसाइटी हमारा बेसिक प्रिंसिपल होना चाहिए। मान्यवर कांशीराम जी भी इसी चीज को लेके काफी असर्ट करते रहे, आपको पता है। दीना बाना जी भी उनके साथी थे और उनके बाद काफी सारे लोग थे। फिर उनकी मूवमेंट को लेके हमारे जम्मू कश्मीर में काफी कुछ हुआ। भगत अमरनाथ जी का मैं नाम लेना जरूरी समझता हूँ, हालांकि वो एक अलग स्ट्रीम से आए, अलग स्ट्रीम में थे, मगर उन्होंने अपनी आहुति देकर, अपना बलिदान देकर, अपनी शहादत देकर रिजर्वेशन के कंसेप्ट को जम्मू कश्मीर में लागू करवाया। तो इसका बेनिफिट जिन लोगों को हुआ, पॉलिटिकल लोगों ने तो बहुत कम रिस्पॉन्ड बैक किया, उन्होंने ज्यादा अपने ही घर भरे, थोड़ा बहुत किया, मैं बिल्कुल उसको दरकिनार नहीं करूंगा, 5-10% तक हम कह सकते हैं उन्होंने किया, मगर 90% उन्होंने अपने लिए किया। और नौकरी पेशा जो लोग थे और जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने थोड़ा ज्यादा किया, खास करके खापड़े साहब और कांशीराम जी की मूवमेंट के बाद देखने को मिलता कि उन्होंने भी कुछ किया, मगर बाई एंड लार्ज जितना उनको करना चाहिए था और जो बाबा साहब ने ड्यूटीज हमारी लगाई थी 22 प्रतिज्ञाओं को पूरे पूरे देश भर में फैलाकर बुद्ध में भारत बनाने की और 5% अपनी ईमानदारी की कमाई का इस मूवमेंट पे लगाने की, वो नहीं लगा। तो इस वजह से मैं ये देखता हूं कि आज भी हमारी मूवमेंट जो हाशिए पे है, अभी हम उस लेवल पे नहीं आ पाए जहां हमें अब तक आ जाना चाहिए था। ये मेरा जो वंचित तबका है, वंचित तबके में एससी आ जाता है, एसटी आ जाता है, ओबीसी आ जाता है। देश में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज की जो पॉपुलेशन है तो वो लगभग 80 और 85% है। तो वर्तमान सरकार ने इन सभी कमीशन को, आयोगों को बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाला हुआ है। अगर हम लोग एनालिसिस करें, इन तबकों को सिर्फ रिजर्वेशन तक बांध के रखा जाता है, इसके अलावा कोई इश्यूज क्यों नहीं है? सो कॉल्ड जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे भारत के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो सिर्फ रिजर्वेशन तक ही क्यों लेती है? वो लड़ाई उससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? जमीन का सवाल क्यों नहीं बढ़ पाया आगे, क्यों नहीं है? देखिए, ये बहुत ही अहम सवाल आप उठा रहे हैं। रिजर्वेशन को मुद्दा बनाने के लिए रिजर्वेशन की एक अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत रहती है, और रिजर्वेशन अल्टीमेट मुद्दा बन भी सकता है या नहीं, ये भी एक सोचने का विषय। बाबा साहब ने 1927 में जब महार चौधार तालाब एजिटेशन की तो 25 दिसंबर का उनका अगर भाषण आप सुने, उसमें उन्होंने कुछ गहरी बातें कही हैं, 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बात उसमें से उठा के आपको याद कराना चाहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, कीपिंग ए स्मॉल ऑब्जेक्टिव इन यूर लाइफ इट इज अ क्राइम। अगर आप जिंदगी में कोई छोटा ऑब्जेक्टिव रख के चलते हैं तो ये एक जुर्म है, क्राइम है। अनटचेबिलिटी बहुत बड़ा उस वक्त एक बहुत बड़ा एक घिनौना अभिशाप था हमारे लोगों के लिए, मगर बाबा साहब ने अभिशाप के खिलाफ, इस अनटचेबिलिटी के खिलाफ, सोल सिर्फ इसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। उन्होंने कहा ब्राह्मणवाद इसकी बुनियाद है, तो मैं ब्राह्मणवाद की जड़ काट दूंगा तो बाकी चीजों के साथ अनटचेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने काम किया। हमारे लोगों को क्योंकि
रिजर्वेशन की वजह से स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिली, स्कॉलरशिप मिली, जॉब मिली, रिजर्वेशन प्रमोशन मिली, तो उनको लगता है अल्टीमेट हमारे लिए क्या है रिजर्वेशन है, क्योंकि उनको जो लोग थोड़े आगे आए हैं उनका बेनिफिट इससे जुड़ा हुआ है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वो रिजर्वेशन को बनाना चाहते हैं। रिजर्वेशन पे भारत के मूल निवासी बहुजन जो 90% लोग हैं, उन 90% लोगों में से मेरा ख्याल 80% लोगों को रिजर्वेशन का ना तो बेनिफिट मिलता है ना वो इस पर अवेयर है। मंडलाइजेशन के बाद ओबीसी में अवेयरनेस शुरू हुई 1990 के बाद, और आज अगर मंडलाइजेशन की अवेयरनेस को इसमें ऐड करें तो शायद 20-25% लोग जो है अवेयर, मगर वो भी उस हद तक अवेयर नहीं हुए कि रिजर्वेशन को अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बनाया जा सके। तो मेरा यह मानना है कि रिजर्वेशन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। अब जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, इस देश के साधनों संसाधनों में हिस्सेदारी की बात, वो चाहे जमीन हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, दुकान हो, जितने भी वसायल है इस देश में, जितने भी रिसोर्सेज है उनमें हिस्सेदारी की बात, तो जब हमारी 90% आबादी है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? तो ये मुद्दा बड़ा मुद्दा होना चाहिए। नहीं हुआ क्योंकि लीडरशिप बेईमान थी, नहीं हुआ क्योंकि जो पढ़ा लिखा तबका आगे निकला वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को लेके अपनी रिजर्वेशन और रिजर्वेशन प्रमोशन को बचाने में लग गया, मगर अगर उन्होंने लोगों की इन सब चीजों को भी साथ में मिला के ये मुद्दे उठाए होते तो लोग उनके साथ मिलते, उनकी रिजर्वेशन भी बच जाती और लोगों को हिस्से भी मिलते। सर ने कहा कि 90% मतलब 90% तक जो जनसंख्या है वो मूल निवासी जनसंख्या है, और जैसे मैं इसको देखता हूं अगर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर नजर डाली जाए तो पंजाब में चले जाते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र में चले जाते हैं फिर, लेकिन सबसे ज्यादा अट्रॉसिटीज जो हो रही हैं वो अट्रॉसिटीज मुझे आपको नहीं लगता है कि ओबीसी वर्ग जो है उनके ऊपर कर रहा है? जैसे मैं बात करता हूँ पंजाब की, पंजाब में मैक्सिमम जमीनें जो है, जमीन जो है वो जाटों के पास है, और जो उसके ऊपर जो उपजाऊ मतलब वो जो टिलिंग करता है, वो जो उसको उसके ऊपर जो भी फसल वगैरह उगाता है वो दलित तबका है, और जाटों की मोनोपोली है वहां पर, वो मैक्सिमम अगर कोई काम ना करे वहां पे तो वो उस तरह से, वो आपने देखा होगा कि फिजिकल एंड वर्बल स्पैट्स वहां रहते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की तरफ चले जाए वहां पे मराठाओं का वो दबदबा है वहां पर, तो जिस तरह से अगर हम राजस्थान में चले जाए, राजस्थान की भी यही स्थिति है, तो हम किस तरह से क्लेम करते हैं इसको कि मतलब मैक्सिमम जो अट्रॉसिटीज जो चल रही है वहां पर ये ओबीसी तबका ही तो कर रहा है, क्योंकि मेन लाठी तो उनके ही हाथों में, तो इसको हम किस तरह से हम देखेंगे 90% पे हम कैसे क्लेम करेंगे? देखिए बीइंग फुल एम्बेडेड राइट एक्टिविस्ट, मैं आपको ये आपका बड़ा गहरा सवाल है, मैं इसके दोनों पहलू पे आपसे बात जरूर करना चाहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है जो आपने उठाया। जो बात आप कर रहे हैं ये बेसिकली ओबीसी एससी एसटी का मसला नहीं है, ये व्यवस्था का मसला है, सिस्टम का मसला है। सिस्टम ब्राह्मणिकल है ये हमें समझना होगा, और सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण बैठा है, उसके नीचे क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र और अतिशूद्र। इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए ब्राह्मण को सारा कुछ करना पड़ता है, वो इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए हर वो चीज करता है जो उसको सूट करती है। अब होता क्या है, जब एससी एसटी विद्रोह करता है तो ब्राह्मण ओबीसी को फील करता है उसके अगेंस्ट, अगर ओबीसी विद्रोह करता है तो ब्राह्मण एससी एसटी को उसके अगेंस्ट फील करता है। इसी को सिस्टम कहा जाता है, ये सिस्टम है। अब ओबीसी एससी और एसटी पर तशद्दुद करता है कौन सा ओबीसी करता है? जो अज्ञानता का शिकार है। अज्ञानता का शिकार मतलब जो दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकता। कौन दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर सकता? जो फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा को नहीं समझ सकता। वो क्यों नहीं समझ सकता? तो यहां पर मैं एक मिनट के लिए पास लेके आपको यह बताना चाहूंगा, उस पर हम कसूरवार हैं। वो लोग जो फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा को पूरे भारत में फैलाने की बात कर रहे हैं, जैसे बामसेफ है, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ है, हमारा सोशल मूवमेंट ऑफ इंडिया है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हजारों की तादाद में, ये आज तक ओबीसी के उन लोगों को इतना अवेयर कर ही नहीं पाए कि वो ओबीसी को अपने मूल इतिहास से जोड़कर मूल निवासी बहुजन बना पाते। अगर ओबीसी को इन्होंने सारी बात समझा दी होती, एससी एसटी को सारी बात समझा दी होती, और एससी एससी कन्वर्टेड मुस्लिम सिख और क्रिश्चियन जो लोग हैं जो हमने से कन्वर्टेड है उनको सारी बात समझा दी होती, और सबको ये बात पता चल जाती कि हमारा एक डीएनए है, एक परिवार है, एक घर है, हमें जातियों में बांटा गया है दुश्मन के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा, तो
ओबीसी तशद्दुद नहीं करता। अब इसके मैं दूसरे पहलू पे आता हूं। 2 अप्रैल के बंद में सतीश जी, अगर आप थोड़ा सा बारीकी में जाए, मुझे एक ओबीसी बता दीजिए जो ब्राह्मणों के साथ खड़ा था। जी संविधान के नाल छेड़छाड़ की जा रही है, और जेड़ा संविधान बाबा साहब ने लिख के दिता सी कि सारे नु बराबर दे अधिकार मिलना, कोई भी इस संसार दे विच, इस भारत देश दे विच कोई दबिया कुचला ना रहे, सारे बराबर रहन। क्षत्रिय के साथ खड़ा था या वैश्य के साथ खड़ा था? आपको मैं बताऊं, राजस्थान में जब एससी एसटी पर करनी सेना के लोगों ने अटैक किया, तो इन्हीं जाटों ने, इन्हीं गुजरों ने, इन्हीं जिनको हम आर्टिजन ओबीसी कहते हैं, नाई जीवर कुम्हार लोहार तरखान सुनार, इन्हीं ओबीसी के लोगों ने करनी सेना पर अटैक किया और अपने लोगों को बचाया। पूरे देश भर में जहां जहां पर भी एससी एसटी के ऊपर अटैक हुए 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल के उस अटैक में ओबीसी शील्ड वर्ग के खड़ा हुआ, उसके बावजूद हमारे 20-22 बच्चे मारे गए। मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारे ओबीसी भाई उनको नहीं बचा पाए, मगर ओबीसी किनके साथ खड़ा था? जो जागरूक, ये जागरूकता का जो अभियान ओबीसी तक अभियान पहुंचा, उसका नतीजा ये था कि वो एससी एसटी के साथ खड़ा था, अपने भाई के साथ खड़ा था, अपने डीएनए ब्रदर ब्लड ब्रदर के साथ खड़ा था, और मुस्लिम सिख क्रिश्चियन भी हमारे साथ खड़े थे, लाखों की तादाद में पंजाब में वोट निकले। और 10 अप्रैल के स्वर्णों के बंद में एक ओबीसी नहीं गया, और मेरे जैसे हजारों ओबीसी ने वीडियो बना बना के डाले, सोशल मीडिया पे वायरल किए, और यहां तक कहा, ये टर्मिनोलॉजी तक हमने यूज की कि वो अपने बाप की औलाद नहीं है ओबीसी जो ब्राह्मणों के साथ या स्वर्णों के साथ जाके खड़ा हुआ, यहां तक हमने उनको कहा, और उसका नतीजा ये निकला कि एक भी ओबीसी उनके 10 अप्रैल के बंद में नहीं गया, और अभी रिसेंटली जो स्वर्णों का बंद था उसमें भी नहीं गया। मराठाओं ने खुद, कोरेगांव वाला जो एपिसोड आपने अगर देखा हो, मराठाओं ने खुद कहा हमारी एससी एसटी से कोई लड़ाई नहीं, महारों से कोई लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई अगर किसी से है तो वो हमारे कॉमन एनिमी, हमारे दुश्मन, हमने दुश्मन को पहचान लिया, वो ब्राह्मण है उससे। तो आपकी बात बहुत सही है कि ओबीसी तशद्दुद करता था, अब भी करता है। कौन करता है? जो जागरूक नहीं है। जागरूक मतलब जिसे दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। वो कौन है? जिसे अंबेडकर राइट आइडियोलॉजी का पता नहीं है। तो उसके लिए कसूरवार वो ओबीसी नहीं है, वो ऑपरेसर नहीं है, उसके लिए कसूरवार मेरे जैसे आपके जैसे वो एक्टिविस्ट हैं जो आज भी उन्हें तैयार करने में फेल हो गए। अगर हम थोड़ी और मेहनत करें और दिन रात काम करें, मैंने घर छोड़ दिया, आप भी तकरीबन छोड़ के निकले हुए, मैं भी तकरीबन छोड़ ही चुका हूं, तो और हमारे जैसे 2-400 लोग या 1000-2000 लोग निकले, हम उनके घरों में जाके बैठे, उनको दिन रात समझाएं, फुले शाहू अंबेडकरी विचारधारा से जोड़े। मैं दावे से कह सकता हूं विद्रोही जी, जो काम 200 साल में नहीं होना था अगले 10 साल में होगा। ना जाति रहेगी, ना वर्ण रहेगा, हम सब लोग एक तरफ होंगे, हमारा दुश्मन एक तरफ होगा, और फिर हम देखेंगे हम इस दुश्मन से कैसे निपटेंगे। तो ये जवाब है आपके उस सवाल का। मेरी नजर कास्ट सिस्टम की बात करते हैं हम लोग, कास्ट, हम 21st सेंचुरी में कास्ट कितना मैटर करती है, मतलब ये इडियम भी है, ये क्या हो गया है हमें? हम इंसान से शैतान क्यों होते जा रहे हैं? 21वीं सदी के इस 18वें साल में भी हम किसी इंसान को सिर्फ इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो तथा कथित छोटी जाति का है। सतीश जी, बड़ी अजीब सी बात है, जब हम स्कूल में थे, बच्चे थे, तो हाँ कुछ हद तक इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। उसकी वजह शायद ये भी रही होगी, कुछ थोड़ा मैं गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ा, कुछ प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना पड़ा, खास साहब की पुलिस में ड्यूटी थी, जगह जगह ट्रांसफर होती रहती थी, तो कभी स्कूल मिल जाता था, कभी नहीं मिलता था, तो जैसा मिलता था वैसा पढ़ना पड़ता था। मगर जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो कास्ट कॉन्शियसनेस हमने देखा समाज में है, और हमने भी वो आने लगी। जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि कास्ट खत्म होगी, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप सिटी के ही मेरे साथ बहुत सारे मोहल्लों में चलो, आज भी जाति के नाम पे मोहल्ले हैं, वाल्मीकि मोहल्ले हैं, भाषा बरादरी के मोहल्ले हैं, चमारों के मोहल्ले हैं, नाइयों का, अगर 10 घरों के तो नाइयों का मोहल्ला है, आप देख ली सराजों की टकी है, इसी तरह जतकतिया मोहल्ला है, और खटीक तालाब खटीका, खटीक भी एक जात है। तो अभी तक सिटी, ये सिटी की बात कर रहा हूँ, जम्मू शहर की बात कर रहा हूँ, और अगर आप 8 किलोमीटर बाहर चले बहुत ज्यादा कास्टिज्म है, एक दूसरे के घर में पानी नहीं पीते आदमी, आप उधमपुर या उधमपुर के आउटस्कर्ट एरिया में चले जाइए, एक ऐसी दूसरे ऐसी के घर में पानी नहीं पीता। तो कास्टिज्म प्रेवलेंट है, थोड़ा सा फिजिकल अनटचेबिलिटी कम हुई है, थोड़ी कुछ हद तक, थोड़ी सी,
मगर मेंटल अनटचेबिलिटी हजार गुना बड़ी है। आप देखिए जितने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सिर्फ कास्ट देख के वो एससी एसटी ओबीसी से या हमें से कन्वर्टेड माइनॉरिटी में से नहीं बनाते, जबकि काबिलियत में वो हमारा मुकाबला कभी कर ही नहीं पाया, आज तक ना कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे एज एडवोकेट हमारे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के एडवोकेट लीडिंग है, हम लीडिंग है, मगर हमें ना हाईकोर्ट जज बनाया जाता, ना एडवोकेट जनरल बनाया जाता, ना एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया जाता, ना डिप्टी एडवोकेट जनरल, ना गवर्नमेंट एडवोकेट, हमें किसी फर्क पे नहीं रखा जाता। तो कास्टिज्म जो है ये माइंड में है। तो ये जो लोग कहते हैं कास्टिज्म खत्म हो गया, ये गलत है। और शोर कौन मचा रहा है? देखिए इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन होनी चाहिए। कौन कहता है? ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, क्षत्रिय राजपूत सभा, जैन सभा, अग्रवाल सभा। अब इन नामों से देखिए, ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा, क्षत्रिय राजपूत सभा, जैन, अग्रवाल, ये जातियां ही तो है। जिनके अपने आधार जातीय है वो हमें कहते हैं कि आप जातिवाद कर रहे हो। हम जातिवाद कर रहे हैं, हम जाति के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई हम तो सीधा ही सी बात बाबा साहब की आपको बता रहे हैं, जिस कंपार्टमेंट में हम पैदा हुए उसी में मर जाते हैं। मैं दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान क्यों ना बन जाऊं, ब्राह्मण हो ही नहीं सकता। दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू क्यों ना हो जाऊं, मैं राजपूत या क्षत्रिय नहीं हो सकता। बिल गेट्स से ज्यादा या अंबानी से ज्यादा वीर हो भी जाऊं, वैश्य बनिया मैं हो ही नहीं सकता। तो फिर ये जाति का कंपार्टमेंट मैंने तो बनाया नहीं, और इसका बेनिफिट किसको मिलता है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मिलता है, उनकी हायरार्कली पोजीशन मेंटेन रहती है। और बाबा साहब ने कहा था इंटरकास्ट मैरिजेस और इंटरकास्ट डाइनिंग से ये खत्म नहीं होगा। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ या तो जलाने पड़ेंगे या समंदर में फेंकने पड़ेंगे, और इक्वेलिटी, फ्रेटरनिटी, लिबर्टी और जस्टिस के आधार पर फिर से लिखने पड़ेंगे, तब जाके ये होगा। और जब उनकी बात नहीं मानी गई 1936 में, उनका तो भाषण ही वो नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने वो किताब निकाली एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो अल्टीमेटली जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला तो प्रकथन में उन्होंने ये लिख दिया कि हमारे संविधान का आधार क्या है, इक्वेलिटी, बराबरी, लिबर्टी, आजादी, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी और जस्टिस, जिसको हम न्याय बोलते हैं, जस्टिस बोलते हैं, इंसाफ बोलते हैं। तो ये उन्होंने आधार रखा। इसलिए जातिवाद ये लोगों की रगों में है, ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी कंट्री का रूलर नहीं बन जाता। जब ओप्रेसर रूलर बनता है तो वो अपने ऊपर लगी हुई बेड़ियों को काट देता है। ये जाति की बेड़ियां हम काट देंगे। संविधान लागू हो चुका है मगर मानसिकता नहीं बदली जा रही। मानसिकता हम तभी बदलेंगे जब हम रूलिंग पोजीशन में आएंगे। हाँ, आप एक दिन में भी लिबरेशन ले सकते हैं, उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शाहूजी महाराज, सियाजी राय गायकवाड़, प्यारी हरिवी रामा स्वामी, नारायणा गुरु और बाबा साहब की तरह कसम खानी होगी। क्या कसम खानी होगी? कि आज से ना मैं किसी मंदिर या धर्मस्थान में जाऊंगा, ना कोई पैसा चढ़ाऊंगा, ना पंडित को अपने घर में आने दूंगा, ना पंडित के पास कुछ पूछने जाऊंगा, नामकरण, शादी, किसी तरह का भी कोई कर्मकांड, किसी तरह भी कोई बात मैं पंडित ब्राह्मण से नहीं कराऊंगा। मैं सारी की सारी बातों के फैसले खुद करूंगा। जो कौम अपने फैसले खुद करती है वो आजाद होती है। आप आज कसम खा लीजिए, आप आज से आजाद हैं। 90% लोग जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जितने भी लोग हैं, अगर ये पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद के षड्यंत्र से फट के बाहर आ जाए तो आज ही आजाद हो सकते हैं। ये भी एक तरीका है। अब इसमें कोई मुस्लिम कह सकता है नहीं जी मौलवी पंडित नहीं होता, तो मौलवी भी पंडितों वाली बात ही करता, इनके भी पीर बाबे हैं। हमारा वो खड़ा पुत है, इनका लेटा हुआ पुत है। इस तरह सिख जो है वो भी गुरु ग्रंथ साहब के सबक को समझते नहीं है, उसके ऊपर पक्षियां चोलते हैं या उसके ऊपर भीड़ साहब को दबाते हैं या माथे टेकते के पूजा करते हैं। तो पुरोहितवाद वहां भी आ चुका है। तो ये पुरोहितवाद अगर निकल जाए, पूरी तरह से पंडावाद निकल जाए, ये पंडितों वाला गंदगी निकल जाए, ये हमें से भी निकल जाए, मुस्लिम से क्रिश्चियन से भी अगर निकल जाए, जो असली कंसेप्ट है, बेसिक जो कंसेप्ट है इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और जस्टिस का, और इस गंदगी को निकाल के अगर हम आज अपनी जिंदगी शुरू करें तो हमारी कुछ तो हम आजाद हो गए और अगली पीढ़ी तो हमारी 100% आजाद हो ही गई। बाबा साहब ने बताया था मैरिज कैसे करनी है, बुद्धम में है कैसे मैरिज करनी है, और इस्लाम में पूछा जाता है, सिखिज्म में पूछा जाता है, क्रिश्चियनिटी में लड़की लड़के को, भाई तुम्हें एक दूसरे पसंद है कि नहीं, मियां बीवी बनना चाहते हो कि नहीं, हमारे यहां तो कन्यादान है और हम उसको मानते हैं। तो इस रूढ़ीवादी गंदगी को, ब्राह्मणवादी गंदगी को एक ही दिन में आप सारा कुछ उठा के कूड़ा करकट समंदर में फेंक दो, गंदे नाले में फेंक दो, और बाबा साहब की मूर्ति लगा, वो अपनी फोटो लगा लो और उनकी 22 प्रतिज्ञाएं लगा लो। वैसे तो उनकी मूर्ति फोटो भी नहीं लगानी चाहिए, वो भी उन्होंने मना किया। आप उनके रास्ते पे चल पड़ो, आप आजाद हो जाओगे। वरना दूसरा रास्ता वही है, आपको सत्ता तक पहुंचना होगा, पूरा कब्जा करना होगा और इस तरह की मानसिकता को
पूरी तरह से फेल करके, डिफीट करके आपको अंबेडकरिज्म एस्टेब्लिश करना होगा। वो अंबेडकरिज्म क्या है? समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की संरचना, वो आपको करनी होगी, तभी आपको आजादी मिलेगी, मेरा ऐसा मानना है। मैं बसपा की बात करता हूँ, वो क्लेम करती है कि वो दलित हितैषी पार्टी है, तथा कुछ लोग अपने आप को नौजवान दिखाने के लिए भी, यंग दिखाने के लिए भी जबरदस्ती का मेरे साथ कभी भाई बहन का तो कभी बुआ भतीजे का, और इसके साथ ही एक सोची समझी रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के सबीरपुर गांव में कराया गया खूनी व जातीय दलित उत्पीड़न कांड, जिसमें शामिल व बीजेपी की रणनीति के तहत अभी अभी रिहा हुआ व्यक्ति भी समाज में अपनी इन सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए अब वह भी अपना जबरदस्ती का मेरे साथ बुआ व खून का रिश्ता बता रहा है। भारतीय राजनीति के बारे में एक बहुत खतरनाक चीज हमें समझनी होगी सतीश जी, कोई भी पार्टी जब बनती है तो उसकी एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी होती है। जब तक वो पार्टी अपनी विचारधारा के साथ जुड़ी रहती है वो पार्टी जिंदा रहती है। जैसे ही कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी विचारधारा से हट जाती है या छोड़ देती है या उसके विपरीत विचारधारा को एडॉप्ट कर लेती है तो उस पार्टी का वहां से पतन शुरू हो जाता है। मैं स्टूडेंट लाइफ में भी एक्टिव रहा सोशली, फिर उसके बाद पॉलिटिकली भी स्टूडेंट लाइफ के साथ ही मैं ऐड हो गया था। मैं बीएसपी में भी रहा हूँ, गिरधारी लाल भगत जी अब उनका इंतकाल हो चुका है, वो स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार बड़ा मनोबल बढ़ाते थे हमारे समाज का। एससी एसटी ओबीसी जो दबे कुचले, जो कोई जात पूछता था तो इकट्ठा हो जाते थे, ऐसे सिकुड़ जाते थे, वो फट के बाहर आए कि जूते चार, इनको मारो जूते चार, मतलब हम अब हमारा राज आएगा, हम शासन करेंगे, हम हमारी हमारा देश हमारा मुल्क है, तो दलेरी वाली बात थी। एक और स्लोगन बहुत बहुत बड़ा था, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ओबीसी को लगा ले यार हमें तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं। जी आपको हैरानी होगी ये सुन के, जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में आज तक सिर्फ दो एमएलए रहे हैं ओबीसी के, एक कांग्रेस से रहे हैं उधमपुर से थे वो बालग्राम जी, और एक बीजेपी के यहाँ जम्मू वेस्ट के रहे हैं, अभी हाल ही में उनकी डेथ हो गई, हंसराज डोगरा जी। इतने लंबे टेन्योर में ना कोई एमपी, ना कोई एमएलए, ना कोई एक एमएलसी भी एक दो रहे हैं वैसे। तो ये सारा ओबीसी का रिकॉर्ड था। तो ओबीसी का मनोबल इतना बढ़ गया कि हिस्सेदारी, मतलब हम 60-50% तो हम है, 50% हमारी पॉपुलेशन है, तो क्या हमें 50% सीधे मिलेंगे? उस मनोबल का इंपैक्ट हमें देखने को मिला, पूरे भारत में एमपी बने, एमएलए बने, जम्मू कश्मीर में हमारे एमएलए बने, असेंबली में हम लोग गए और वो हिस्सेदारी की बात चलने लगी। मानेवर कांशीराम जी की वो बात लोगों को बड़ी अपील कर गई, डीके खापड़े जी का वो इशारा लोगों को समझ में आ गया, दीना बाला जी की वो सैक्रिफाइसिंग नीचे जो थी वो लोगों में छा गई। मानेवर जी के उस आगे बढ़ने वाले प्रोसेस के साथ साथ ही कुछ चेंजेस आना शुरू हुए और एससी एसटी और ओबीसी में कुछ कन्फ्रंटेशन देखने को मुझे मिला। ये मेरा जाति तजर्बा है, हो सकता है लोग मेरे से एग्री ना करें, कहीं ऐसा हुआ कि दो फाड़ बीच में से होने शुरू हुए, कहीं ऐसा लगने लगा कि शायद ओबीसी डोमिनेट ना कर जाए और एससी एसटी को शायद लगा कि ओबीसी से बेटर हम ब्राह्मण से हाथ मिला लें। और आपको याद होगा फिर वो राखियां बंधवाने का एक सिलसिला यूपी में शुरू हुआ और सरकारें भी बनी, सरकारें बनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मायावती जी दो तीन बार प्रधानमंत्री वहां पे मुख्यमंत्री बनी, मगर वो जो बेसिक आइडियोलॉजी थी, मूल निवासी बहुजन की जो आइडियोलॉजी थी, बहुजन समाज की जो आइडियोलॉजी थी, वो डाइल्यूट हो गई, सर्वजन की आइडियोलॉजी आ गई। अब आप देखिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से जब अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे आए, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी चलता जाएगा, तो अब हमारा दुश्मन कौन रहा? जिसे हम आइडेंटिफाई करके दुश्मन बना के सब लोगों को कंसोलिडेट कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, आज वो हमारा दोस्त हो गया, हमारी उससे सांझ हो गई, तो हमारा दुश्मन कौन रहा? कोई नहीं, तो हमारी आइडियोलॉजी डाइल्यूट हो गई,
तो जब पीछे मुड़ के देखा ओबीसी भाग चुका था, थोड़े दिनों बाद देखा एसटी भाग चुका था। आज की स्थिति ये मुझे ये लगती है, मैं गलत हो सकता हूं, मगर मुझे ये लगती है आज की स्थिति ये है कि एक दो जातियों को छोड़ दे तो पीछे से सब लोग भाग चुके हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो एमपी की आज बीएसपी के पास एक भी सीट नहीं है, ना राज्यसभा में ना लोकसभा। एमएलए 19 है वो आपको पता है, और अभी कर्नाटका में एक है, अभी मिनिस्टर थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। विचारधारा लोगों में है, समझ लोगों में है, लोग अपनी जगह पे अटल है, लीडरशिप ने क्या किया वो आपके सामने। तो मेरा ये मानना है कि सर्वजन हिताय की पॉलिसी ने बहुजन हिताय की पॉलिसी को निगल लिया, और उसके साथ ही वो जो बेसिक हमारा कार्यक्रम था वो खत्म हो गया। बेसिक कार्यक्रम खत्म होने से बीएसपी का ये क्लेम करना कि मैं ही पिछड़े वर्ग की या एससी एसटी का, मैं ही मतलब एज ए पार्टी हम ही है, वो उनका दावा मुझे अब खोखला समझने लग रहा है।